आज के समय भी वही बात है जो पीछे था। भेदभाव जाति पाति का विरोध, ऊंच नीच का विरोध अब आज भी वही चल रहा है। कोई ड्राइवर है तो कोई चौकीदार है, कोई जूता पॉलिश कर रहा है तो कोई पनमाड़ी है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है। तो जाति पाति वाली जो भेदभाव है आज भी वही है। क्या ऐसे लोगों को उस सम्मान मिलता है जो एक जूता पॉलिश करता है, जो लेट्रिन बाथरूम साफ करता है, जो एक झाड़ू पोछा लगाता है, जो एक छोटा काम करने वाले को वो सम्मान प्राप्त हो पाता है? क्या बड़े लोग उनको वो सम्मान देते हैं? आज वही अमीरी गरीबी का भेदभाव आ गया है, और पहले था ऊंच नीच का भेदभाव, आज उसी भेदभाव को अमीरी गरीबी की भेदभाव की रेखाओं में बना दिया गया है। देखिए, एक यह प्रकृति का दिन है, अगर कुछ चेंज होगा तो कुछ आएगा, और जो आएगा ये जो बातें हैं ये दूर नहीं होगी। लेकिन फिर भी रह गई बात खान पान की, तो इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि भैया खान पान करिए, लेकिन हमारे लायक भी तो होना चाहिए आदमी कि हम जिसके यहाँ खाना खाएं, भोजन करें, वो उस काबिलियत का हो जो हमें भोजन करा सके, मैं उसके यहाँ खा लूँ। भोजन में कोई दोष नहीं होता, भोजन में दोष नहीं होता, दोष होता है आदमी के आदमीयत में। वो इंसान, वो मानव उस काबिल है कि हमें वो भोजन कराएगा, या मैं उसके यहाँ भोजन करूँ तो वो उस काबिल है कि मैं कर लूँ उसके यहाँ भोजन। अगर वो मांस मच्छी जीव हत्या करके किसी का मांस खा रहा है, मांसाहारी है, तो राक्षस हो गया, दानव हो गया, मीट मच्छी शराब का सेवन करने वाला मानव नहीं, तो हम मानव की दुहाई भी दे के उसके यहाँ कैसे भोजन कर लें? और वो दुहाई दे रहा है कि पंडित जी हमारे घर पे आके भोजन नहीं कर रहे हैं, पंडित जी आते हैं तो छुआछूत भेदभाव का प्रचार करते हैं, हमारे यहाँ आते हैं पूजन करा के फल मीठा और सब उठा ले जाते हैं, और यहाँ तक कहते हैं लोग कि पंडित जी आते हैं दक्षिणा ले जाते हैं, क्या उसमें जात पात भेदभाव नहीं है? भैया वो कर्मों का पैसा पंडित जी ले जाते हैं, आए हैं दो घंटे तीन घंटे आपके यहाँ कथा प्रवचन दिए हैं, तो वो जो भी है वो तो अपना लेके कर्मों का पैसा तो चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाएंगे। पंडित जी जो फल है वो भगवान को प्रसाद रूप में मान के उठा ले जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ भोजन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अभी तक उस काबिल नहीं हुए हो कि पंडित जी आपके घर का भोजन कर लें। आपको पंडित जी को भोजन करना मानवता का अगर अधिकार आपको लेना है तो मानव बनिए, जैसे सबरी बनी थी, जैसे वाल्मीकि थे, संत रैदास जी थे, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी थे, ऐसे बनिए, कांसी राम जैसे बनिए, जीतन राम मांझी जैसे बनिए, क्या उनके यहाँ जाके ब्राह्मण मायावती जैसे बनिए? आपके अंदर थोड़ी चेंजिंग लाइए। अब वो लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लेकिन समाज में तो नहीं दिखता, शायद उनके अंदर चेंजिंग हुई हो। गौतम बुद्ध जी की तरह बनिए। गौतम बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब अभी तक किसी को पता नहीं कि बुद्ध जी ने स्वयं हमेशा कहते थे बुद्धम शरणम गच्छामि। आप लोग जिस बुद्ध की बात कर रहे हैं उनके इस शब्द को पकड़िए कि इसका मतलब क्या था। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध जी हमेशा, गौतम बुद्ध जी हमेशा हर वक्त जीव हत्या के खिलाफ थे। किसी भी जीव की हत्या हो तो अहिंसा के पुजारी थे। और आज जो बुद्ध को मान रहे हैं, बुद्ध धर्म को मान रहे हैं, वो मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, मछली जीव हत्या करके उसको खाते हैं, तो कैसे हो गए आप लोग बुद्ध के, कैसे हो गए बुद्ध के अनुयायी, कैसे हो गए गौतम बुद्ध के अनुयायी, कैसे हो गए आप बताइए? गौतम बुद्ध के अनुयायी कैसे कहलाएंगे आप? जिसके अनुयायी आप कहे जा रहे हैं वो हमेशा यही कहता था, भगवान बुद्ध यही कहते थे कि हे मानव, तुम मानव जन्म लियो, मानव बन के रहो,
दानव वृक्ष समुद बनो। भेदभाव तुम्हारे कर्मों के ऊपर होता है, कर्म को ऊंचा करेंगे भेदभाव खत्म हो जाएंगे, जैसे संत रैदास की तरह उनके साथ किए थे सब लोग, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे, ब्राह्मण पंडितों ने किया था, बहुत ज़्यादा किया था, लेकिन सत्य छिप नहीं सकता, सत्य को छिपा नहीं सकता कोई, और रैदास जी की सत्यता को छिपी नहीं, और राजा के सामने प्रमाण हो गया कि रैदास के जैसा संत नहीं, जूता सिलते थे, लेकिन संत संत होता, संत वो अपने पेट के लिए जूता सिलते थे, लेकिन वो मांस मछली मदिरे का सेवन नहीं करते थे। तो रैदास हुए गौतम बुद्ध के अनुयायी, ऐसे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी कहे जाते हैं। रैदास जी संत थे, महान पुरुष थे, वाल्मीकि जी महान थे। अब आपके आज के समय के बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या से क्या नहीं समझाया था कि आप मांस मदिरा मच्छी का जो आप सेवन करते हैं गरीब तो हो ही, और साथ में इसकी जो आदत है वो और आपको गरीबी में ढाल देती है, इसकी वजह से ना तो आपके बच्चे पढ़ पाते हैं, ना आपका बच्चा पढ़ पाएगा, ना ज्ञानी होगा, ना उसको नौकरियां मिलेगी, आप भी गरीब रहोगे, गरीबी में मर जाओगे, और बच्चा भी तुम्हारा गरीब में पैदा हुआ गरीबी में ही मर जाएगा। भीमराव अम्बेडकर एक ही बात कहते हैं, कहते थे कि गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है, और उससे बड़ा अभिशाप यह है कि गरीब परिवार में होने के बाद भी अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो उससे बड़ा भी अभिशाप है, क्योंकि शिक्षा से अगर आज हम गरीब हैं तो शिक्षित हैं तो आज नहीं कल हम अमीर बन जाएंगे।